कांग्रेस पार्टी तम गेलुपुनु जीर्णिंचुकोलेकपोतुंदनि प्रधाని మోదీ అన్నారు. ప్రజలిచ్చిన తీర్పును కాంగ్రెస్ గౌరవించడం లేదన్నారు. రాజ్యసభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిజాలు చెప్తుంటే విపక్షాలు భరించడం లేదన్నారు. పెద్దల సభను విపక్షాలు అవమానిస్తున్నాయి అన్నారు. చర్చల్లో పాల్గొనే దమ్ము లేక పారిపోయాయని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. తన సమాధానం వినే ధైర్యం లేకనే విపక్షాలు వాకౌట్ చేశాయని మోదీ ఫైర్ అయ్యారు. लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं. उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए? और आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेजों में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया. विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए. आदरणीय सभापति जी, सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना, क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल, और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे. संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं. उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए? और आज संविधान दिवस के माध्यम से